कश्मीर और हिमाचल की बर्फीली वादियों में फलने फूलने वाला लाल लाल सेब जल्द ही बिहार के गर्म आबो हवा में भी खिलने लगेगा। जी हाँ, बिहार को सेब से लबालब करने का बीड़ा उठाया है हिमाचल प्रदेश की जाने माने किसान हरिमन शर्मा ने। हाल में बिहार सरकार के निमंत्रण पर जब वो पटना आए तो कई किसानों से मिले, बिहार के मौसम का जायजा लिया और हरिमन 99 किस्म के सेब की खेती का नुस्खा सुझाया। बृहद पैमाने पर हिमाचल या कश्मीर वगैरह में सेब की खेती होती है, क्या बिहार के किसान कर पाएंगे? सर, मेरी जो हरिमन 99 किस्म है यह सिर्फ गर्म क्षेत्रों के लिए है, बर्फ वाले क्षेत्रों में होती ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिमन शर्मा ने साल 1999 में ही गर्म आबो हवा के लिए ही हरिमन 99 किस्म की सेब का इजाद किया था, जिसकी खेती कर्नाटक से लेकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बेहद सफल रही। उसी सेब बागवानी जल्द ही समस्तीपुर और वैशाली से लेकर कटिहार और मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में शुरू हो जाएगी और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो बिहार वासियों को रस से लबालब सेब के लिए अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भरोसे नहीं रहना होगा। अभी हम लोगों ने समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद ऐसे जिलों को चिन्हित किया है और आने वाले समय में इनका रिजल्ट देख के हम लोग बाकी जिलों में भी इसका एक्सपेंशन करेंगे। बिहार सरकार और हिमाचल के किसान हरिमन शर्मा की पहल रंग लाई तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बाशिंदे भी मजे से बिहार के मिट्टी में उपजे रसीले सेब का लुफ्त उठा सकेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज 18, पटना। चलिए तो आगे खबर एक मिनट की तरफ गौर करते हैं और आपको 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। आपका क्या नाम है? रूसी हमले के कारण यूक्रेन में फंसे दरभंगा के बिलासपुर निवासी और मेडिकल छात्र मोहम्मद जैद सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। बच्चे को सुरक्षित अपने बीच देखकर परिजन खुशी से झूम उठे। जैसे ही छात्र के वापसी की खबर गांव के लोगों को मिली, लोग घर वापस लौटे छात्र से मुलाकात करने के लिए उनके घर इकट्ठा हो गए। जैद पश्चिमी यूक्रेन के शहर फ्रैंकविस्क में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वह वहां फंस गए थे। हालात बिगड़ते